देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। आम आदमी पार्टी के बागी गुट ने स्वराज संवाद के तहत वैकल्पिक राजनीति को लेकर एक नई बहस शुरू की है, जिसका मकसद आम लोगों को इस संवाद में भागीदार बनाना है। क्या नई पार्टी का गठन करने से पहले कार्यक्रम और विचारधारा बनाने की ये कोई कवायद है या इसका कोई दूसरा मकसद है, यही विषय है आज देश देशांतर में हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ स्टूडियो में भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अपूर्वानंद। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और अगर संभव हो सका तो हम आनंद कुमार से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो 14 अप्रैल को आपके एक बागी धड़े ने गुड़गांव में बैठक की, अभी तक वो ये कह रहे हैं कि साहब हम इस पार्टी को छोड़ेंगे नहीं क्योंकि तकनीकी तौर पे वो निष्कासित नहीं किए गए हैं, और लेकिन जिस तरह के भाषण वहां उस दिन हुए, जो बातचीत सुनने को मिली, वो लग यही रहा था कि ये आम आदमी पार्टी का स्प्लिंटर ग्रुप है और शायद एक नई जमात, नई पार्टी खड़ी करने की कोई कोशिश है, लेकिन अब उसे स्वराज संवाद का नाम दिया गया है, किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, पहला सबसे चीज जो है, खास लोगों ने आम लोगों की बात की तो ये तो ऐसे नहीं लगा कि भागीदारी जितने भी लोग आए थे हर एक 2000 की थी, कुछ खास लोगों ने ही अपने वक्तव्य रखा, उसके बारे में ही अखबार में भी छपा और चर्चा भी हुई। सबसे समस्या पहले इसमें है कि आपने कहा कि हम राजनीति की बात करेंगे पर हम प्रत्यक्ष राजनीतिक दल कोई तैयार अभी नहीं करेंगे। मुझे लगता है इसमें भी काफी कंफ्यूजन की गुंजाइश है। उसके साथ और एक भी चीज है, जब तक आप एक दल में रहेंगे उसका एक जो मिनिमम बोलते हैं जो डिसिप्लिन, उनका जो पार्टी प्रोग्राम है, पार्टी व्हिप है, ये सारे इंपॉर्टेंट इंग्रीडियंट्स है लिबरल डेमोक्रेसी में। तो आपको लोकतंत्र चलाना है तो आपको सबसे पहले ये तय करना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल कितना होगा, आपका पार्टिसिपेटरी कितना होगा। देखिए, पश्चिम देश में हम लोगों ने ये क्या देखा है, उन्होंने इनकी एक बैलेंस करने की कोशिश की। रूसों से जब पूरा ये परंपरा हुआ कि जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होना चाहिए और मास डेमोक्रेसी स्प्रेड कर रहा था, तब हम देखते हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आपका ओम्बुड्समैन की बात आई और उसे बैलेंस हो गया। पर सबसे जो बड़ी चीज ये है कि उन्होंने एक लोकतंत्र का एक डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन दिया, वो परंपरा वो आज तक टूटी नहीं है। पहला चीज है आपकी एक सेपरेशन ऑफ पावर्स है, एक है पीरियोडिक इलेक्शन है, एक है ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पूरा चीजें है, ढांचा है, उसको लेके भी काफी चर्चा हुआ, स्पॉइल सिस्टम में हम देखते हैं काफी आगे बढ़ गया है। तो मुझे लगता है जब आप इतनी सारी समस्याएं हिंदुस्तान में है, जैसे हिंदुस्तान इज अ सिचुएशन ऑफ मेजर कंट्राडिक्शंस, आप 10 किलोमीटर जाएंगे बोली बदल जाती है, खाना बदल जाती है, और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो आपको ऐसा ही लगता है कि एक दूसरे से स्टेट में पहुंच गए हैं। तो इस तरह का देश में आप एक ग्राफिक जो एक संक्षेप में इस तरह का बात करेंगे, जैसे आपने बात की कि इतनी बड़ी बड़ी लिटन्स दिल्ली की बांग्लोज, मैं सुन रहा था जो इसकी ये क्यों रहेगी, अरे भाई रहेगी तो आपके इसके कोई ऑल्टरनेटिव प्रपोजल, आप कैसे इसको करेंगे, आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे करेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी। तो इकोनॉमिक्स का बात आप लोगों ने नहीं किया, आपने हमारी जो फेडरलिज्म की बात नहीं की, हमारी जो मेजर कंट्रडिक्शन है उसकी बात नहीं की, पर आप स्वराज की बात कर रहे हो। और स्वराज का जो पूरा देखिए अवधारणा था वो गांधी जी का था। गांधी जी ने कहा जो ये पश्चिमी वर्ड है इंडिपेंडेंस, ये हिंदुस्तान में लागू नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए हमें एक हिंदुस्तानी लफ्ज चाहिए, और स्वराज का मतलब है खाली राजनीतिक नहीं देखेंगे, हमको एक लार्जर कंटेक्स्ट में देखना होगा। पर वो चीज मुझे इनके आचरण और जिस तरह इन्होंने लगाया उसमें कहीं नजर नहीं आया। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे आम आदमी पार्टी के जो बागी गुट है उसके नेता आनंद कुमार साथ जुड़ गए हैं, जो इस राष्ट्रीय संवाद के संयोजक भी बनाए गए हैं। आनंद कुमार साहब, हम उम्मीद कर रहे थे कि आप स्टूडियो में हमारे साथ होते, लेकिन बहरहाल आप फोन लाइन से जुड़े हैं, स्वागत है आपका।
क्या मकसद है आपका ये जो स्वराज संवाद करके आप पूरे देश में एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या नई पार्टी बनाने से पहले ये कोई मशक कर रहे हैं या कि इसके पीछे कोई ठोस कार्यक्रम है? आनंद जी, लगता है कि आनंद जी से हमारा संपर्क टूट गया है। पूर्णानंद जी, मैं आपके पास आता हूं कि अभी जो एक व्यापक संदर्भ में प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी बता रहे थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, जो अभी लगता यह है कि दिल्ली तक सीमित है। एक छोटा सा राजनीतिक दल है जिसने बहुत कम समय में दो बार सत्ता हासिल की और अब उसमें बगावत के तेवर दिखाई दे रहे हैं, उसके कारण जो भी हो। लेकिन ये जो गुड़गांव में एक्सरसाइज हुई और इसके बाद जो ये स्वराज संवाद एक नाम दिया गया है, एक एक्सरसाइज, एक नए ढंग से राजनीति करने की बात कही गई है, क्या आपको लगता है कि ये विचारधारा और कार्यक्रम से पहले नई पार्टी के लिए जो एक ढांचा खड़ा करने का मकसद होता है वो उस वजह से की गई है? प्रोफेसर मुखर्जी ने जो कहा उनकी बातों को मानते हुए और उसमें आगे अगर हम देखें जी, आम आदमी पार्टी का जन्म एक खास ऐतिहासिक क्षण में हुआ, उसके लिए जो स्थितियां थी उन स्थितियों, माफी जी मैं आपके पास आऊंगा, आनंद कुमार साहब इसमें हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, मैं आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, मेरा आपसे सवाल ये कि आप चूंकि इस राष्ट्रीय संवाद के राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए हैं और हैदराबाद में जो 14 अप्रैल को आपने बैठक की थी अपने साथियों की, जिसमें कि 70% से ज्यादा लोगों का मानना ये था कि कोई नया दल ना बनाया जाए, लेकिन लग ये रहा है कि ये कोई नया दल बनाने की कोशिश है, अभ्यास है? नहीं, इसमें दोनों संभावनाएं हैं। कुर्बान साहब, आप तो तजुर्बेकार आदमी है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर पार्टी का नेतृत्व पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता की इच्छाओं के साथ जुड़ के चलता है तो पार्टी सार्थक और प्रासंगिक बनी रहती है और उसमें अंदरूनी सुधार हो जाते हैं और सुधार के तीनों दायरे बनते हैं, या तो नेतृत्व में सुधार हुआ, या कार्यक्रम में सुधार हुआ, या संगठन में सुधार हुआ। हाँ, अगर तीनों जगह जड़ता बनी रहेगी, बंधे तालाब के पानी की तरह से बदबू आती रहेगी, तो फिर वो दुष्यंत वाली लाइन है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए जी। लेकिन अभी हमारी तैयारी और हमारी जरूरत पार्टी के सुधार की है, क्योंकि वॉलंटियर के स्तर पर कोई खराबी नहीं है, दिल्ली से बाहर खराबी बहुत कम है और दिल्ली में भी खाली संस्थाबद्ध होकर संविधान के हिसाब से काम करने की आदत डालने की जरूरत है जी। इसको एनजीओ जैसा चलाने के कारण दिक्कत हुई है, जहां ये कहा गया कि हमारे नियत पर भरोसा करो और हम भरोसा कर सकते हैं। आनंद जी, लेकिन जी ऐसे में कि अब जब आपको पार्टी से निकालने की तैयारी हो रही है, एक रस्म अदायगी भर रह गई है और आप लोगों ने भी जिस तरह से अपनी बात रखी अपने शीर्ष नेतृत्व और अपने उस चहीते नेता के बारे में जिसे आपने मुख्यमंत्री बनाया है उसके बारे में जिस तरह की बातें प्रशांत भूषण या दूसरे लोगों ने कही, क्या अभी भी गुंजाइश बची रह गई है आप लोगों की आम आदमी पार्टी में बने रहने की? देखिए, जिस राजनीति को करने हम निकले थे, वैकल्पिक राजनीति, वो तो यकीन और उम्मीद पर ही कायम थी, वरना असलियत में तो उसकी गुंजाइश बड़ी कम थी। तो वैसे ही हम ये यकीन और उम्मीद करते हैं कि हम पार्टी के साधारण सदस्य बने रहेंगे और साधारण सदस्य की जो ताकत हमने बनाई है अपने संविधान में वो बहुत ज्यादा है। तो अगर मान लीजिए कि हमको राष्ट्रीय परिषद से निकाल दिया तो भी सदस्यता से नहीं निकाला, तो हम काम करते रहेंगे, संवाद करते रहेंगे। आदत हमारी रही है 50 साल की, वो सुधरेगी नहीं, हम बोलते भी रहेंगे। लेकिन अगर निकाल दिया बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो सवाल फिर आप पूछेंगे, हम तब सवालों के जवाब के दायरे से निकल जाएंगे और जो एक नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य है वो करते रहेंगे। फिलहाल तो हम खत्म होने का नहीं सोच रहे हैं, इसके नव निर्माण का सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है आपकी बात से यही एहसास हो रहा है कि आप आम आदमी पार्टी को अभी शायद सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं और वही कर रहे हैं। जी हाँ, हम ना छोड़ेंगे ना तोड़ेंगे। मेरी थोड़ी सी पहचान में समाजवादी जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में कहा गया कि ये साथ नहीं चल सकते, ये तोड़ने वाले लोग रहे हैं, जो गलत आरोप है, लेकिन फिर भी जैसा है, मैं गांधी लोहिया जयप्रकाश की कसम से कहता हूँ कि इस बार आम आदमी पार्टी को ना हम छोड़ेंगे ना तोड़ेंगे,
खुद भी सुधरेंगे लेकिन अन्य हजरात को भी सुधारने का काम हमारे जिम्मे आ गया है जी। और ये जो आपने कार्यक्रम अभी 6 महीने का बनाया है, क्या 6 महीने तक ही सीमित रहेगा या उससे आगे भी? 6 महीने में इतना बड़ा मुल्क है, हमको भारत में संवाद यात्रा करनी है, स्वराज यात्रा, तो अब 650 जिलों के मुल्क में 6 महीने में कहाँ कहाँ पहुँचेंगे देखना होगा। और दूसरा हमको स्वराज संवाद करना, जिसके 30 के मंत्रण मिल चुके हैं, और इसका मतलब हुआ कि अगले 6 महीने में 30 का मतलब हर 5वें दिन एक सम्मेलन करना है। एक हमको एजेंडा फॉर इंडिया बनाना है। अब ये तीनों काम मिलाकर के 6 महीने की मियाद कम लगती है, लेकिन हमने तो अपने लिए कम मियाद रखी है क्योंकि मुल्क के पास ज्यादा वक्त नहीं है जी। ये फुर्सत से होने वाला काम नहीं है, इसको इमरजेंसी, घर में आग लग गई है, इस आग को बुझाने के लिए हम फुर्सत से नहीं जी जान से लगेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस फोन लाइन पे इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर आनंद कुमार। और इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी जुड़ गए हैं। सौरभ भारद्वाज स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे कि जो अभी 14 तारीख को गुड़गांव में आपकी पार्टी के सहयोगियों ने, या कहूं तो बागी लोगों ने अपना एक सम्मेलन किया और राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वराज संवाद करने जैसा कुछ घोषणा की है, उसका कार्यक्रम बनाया है, तो क्या आपको लगता है कि अभी ये लोग आम आदमी पार्टी का हिस्सा हैं और या आप इन लोगों को अब बहुत जल्दी निकालने वाले हैं? नहीं, टेक्निकल तौर पे देखा जाए तो अभी तो ये सब लोग पार्टी के मेंबर्स हैं। हाँ, पार्टी के अंदर एक पीएसी की जो बैठक हुई थी उसमें निर्णय हुआ है कि कुछ लोगों के ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर मामला जाए और डिसिप्लिनरी कमेटी फैसला करे कि क्या इनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए और क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अगर उसमें हो तो वो क्या होनी चाहिए, वो कमेटी डिसाइड करेगी। ये कब तक फैसला करने वाले हैं आप लोग? अभी ऐसा कोई डेडलाइन तो नहीं दी गई है, बट जल्द ही होना चाहिए, ज्यादा समय तो नहीं लगना चाहिए, मुझे लगता है 10-15 दिन। लेकिन स्वराज भारद्वाज साहब, जो मुद्दे इन लोगों ने उठाए हैं, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और आनंद कुमार ने, और इसमें तो कोई दो राय नहीं कि एक वक्त में ये आपके बड़े कर्मठ साथी थे और आपकी पार्टी को खड़ा करने में इन लोगों का भी एक योगदान रहा है, तो उन्होंने जो बातें उठाई हैं कि पार्टी एक तरह से अधिनायकवादी रोल में चली जा रही है, एक आदमी जो कि पार्टी का नेता भी है, मुख्यमंत्री भी है, वो सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए हैं और जिस तरह से चाहता है पार्टी चला रहा है। देखिए, मैं बड़ा साफ बताऊं, पार्टी के संविधान के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री रह के पार्टी का कन्वीनर नहीं हो सकता, वरना ये सब लोग तो संविधान के ज्ञाता भी हैं और लीगल एक्सपर्ट्स भी हैं इनके पास, ये चैलेंज कर देते वरना इसको कोर्ट के अंदर, मगर इस तरीके की कोई भी चीज नहीं है। बिल्कुल मैं बात मान, लीगल तो नहीं है, लेकिन आप लोग इसी तरह से चैलेंज करते थे जो मेनस्ट्रीम की पार्टियां हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं उनको आप यही कह के कहते थे कि साहब सारी सत्ता इन्हीं के हाथ में है, परिवारवाद हो रहा है, जो पार्टी का मुखिया है वही संसदीय दल का नेता भी है, वही मुख्यमंत्री भी है, तो आप तो एक अलग पार्टी, एक अलग ढंग की राजनीति लेकर के आए थे इस देश में, फिर आप भी वैसा ही करते हुए दिख रहे हैं जैसी दूसरी पार्टी कर रही है, तो आप में और उनमें फर्क क्या रहा? जी, असल में क्या है कि पार्टी के अंदर कुछ बेसिक डिफरेंसेस होने के बावजूद भी पार्टी का मूल स्ट्रक्चर तो पार्टी की तरह ही रहेगा ना, कि मतलब पार्टी कुछ चीजों में तो आपको बाकी पार्टियों की तरह इसलिए दिखेगी कि अगर कोई आदमी पार्टी के अंदर तोड़फोड़ की कोशिश करता है तो आप उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। पार्टी के अंदर अगर बहुत सारी चीजें होती हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होती है, ये जरूर मैं कहूंगा कि आज भी ये सिद्धांत है और ये चीज जो सिद्धांत थे वो हमारी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि एक फैमिली के दो मेंबर्स पार्टी के अंदर ना तो पोस्ट ले सकते हैं ना ही वो पार्टी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की तरह टिकट ले सकते हैं, ये सारी चीजें हैं, बट ये चीज पार्टी के संविधान में शुरू से ही नहीं थी। मगर हाँ, ये मैं बिल्कुल कहूंगा कि इस चीज पे एतराज उठा सकते हैं और इन्होंने इसके ऊपर एतराज उठाया, उसके लिए नेशनल काउंसिल के अंदर कुछ चीजें रखी गई, उसके ऊपर कुछ चीजों के ऊपर चुनाव हुआ
और आप देखिए बड़ी भारी संख्या के अंदर लोगों ने अपना मत दिया, अपना डिसीजन दिया, जिसके बाद ये सारे फैसले हुए। पीएसी के अंदर भी जो डिसीजन हुए वो सब नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग के अंदर वो फैसले हुए। मैं बात मानता हूँ कि कुछ बातें जो उठा रहे हैं वो सुनने में अच्छी लगती हैं और हो सकता है कि इनके मुद्दे सही हों, मगर अगर आप देखें पार्टी छोड़ के, चाहे हमारी पार्टी कोई छोड़े या किसी भी पार्टी को कोई छोड़ता है, तो कभी कोई ये नहीं कहता कि मेरे को टिकट नहीं दिया इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, या मेरा इससे मनमुटाव है इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। जनरल टेंडेंसी आदमी की ये होती है कोई बड़ा मुद्दा लेता है, चाहे वो आप बिन्नी को लें, चाहे आप शाजिया इल्मी को लें, सबने कोई ना कोई बड़ा मुद्दा बता के ही अपने आपको एक यू नो आइडियलिस्टिक दिखाते हुए पार्टी से अपना रुख आप रहे हैं। सौरभ भारद्वाज साहब, मैं आता हूँ आपके पास में। अपूर्वानंद जी, आपने सुना पार्टी की जो चर्चा है पूरी, हम इसी पे बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी का ये जो बागी गुट है, अब ये स्वराज संवाद के नाम से एक देश को नई राजनीतिक दिशा देने की बात कर रहा है, और सौरभ भारद्वाज साहब और उनकी पार्टी जो है उनका स्टैंड वो यही है कि अगले कुछ दिनों में वो शायद इन लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने वाले, आम आदमी पार्टी किस तरफ जाती हुई दिख रही है आपको? नहीं, आम आदमी पार्टी में मुझे कोई खास परिवर्तन होता नहीं दिख रहा है, और ना मुझे वह हिलती हुई दिख रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपनी महत्वाकांक्षा तय की। दूसरे के जिस आधार पर चुनौती दी जा रही है अभी के नेतृत्व को, तो जो लोग चुनौती दे रहे हैं उनके विवेक पर जनता या इनके समर्थक प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं कि यदि आपकी पहचान इतनी कमजोर है तो फिर आज आपकी बात पर हम भरोसा कैसे कर लें। एक दूसरे के पूरी बहस नैतिकता की भाषा में हो रही है, लेकिन नैतिकता की भाषा और व्यावहारिकता की राजनीति, इसके अंतर विरोध कभी ना कभी उभर नहीं थे और वो अभी उभर आए। तो अब जिस नैतिकता का वहन आज तक सारे लोग मिलकर कर रहे थे, अब यह कहा जा रहा है कि नहीं नहीं उस व्यक्ति में नहीं है, मेरे पास है, इसको समझने में भी आम आदमी पार्टी के भीतर लोगों को परेशानी होगी। जी, एक दूसरा कि अपने आप में यह बात कि आम आदमी पार्टी के बहुमत ने योगेंद्र यादव या आनंद कुमार जी और बाकी लोगों की बात को मानने से इनकार कर दिया है, यह बात तो स्पष्ट ही है। और इसका अर्थ यह है कि अब आम आदमी पार्टी में इस गुट की जगह नहीं है, तो इस बात को स्वीकार करना चाहिए। एक दूसरे कि स्वराज शब्द अभी गांधी का शब्द वह था, लेकिन अब तो इस देश का दुर्भाग्य यह हो गया है कि पिछले 4 वर्षों से वह अरविंद केजरीवाल का शब्द था, और उसी को ये सारे लोग उसी को प्रचारित प्रसारित कर रहे थे। आज भी वह अस्पष्ट है, स्वराज कहा जा रहा है लेकिन ये स्वराज है क्या, इसका कंटेंट क्या है? एक दूसरा कि लोकतंत्र का कंटेंट क्या है, जिसकी तरफ प्रोफेसर मुखर्जी इशारा कर रहे थे, देश के अंतर विरोध क्या है? स्वयं आप पिछले 2 वर्षों से कहते चले आ रहे हैं कि हम व्यावहारिक राजनीति कर रहे हैं, हमारे लिए विचार महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए सांप्रदायिकता महत्वपूर्ण विषय नहीं है, हमारे लिए पूंजीवाद महत्वपूर्ण विषय नहीं है, तो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। और फिर अब जनता से पूछा जा रहा है कि आप हमें बता दीजिए कि हम क्या करें। जी, तो कोई भी नेता अगर इतना असहाय होकर जनता से पूछने लगे कि मैं राजनीति करना चाहता हूं लेकिन राजनीति का कंटेंट मुझे दे दो, तो उसे नेता मानने में बहुत तकलीफ होगी लोगों को। अरविंद केजरीवाल ने एक आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया है, उस आत्मविश्वास में निवेश इन सारे लोगों ने भी किया था, इसलिए वो आत्मविश्वास दिखलाई पड़ रहा है, तो वह तो स्थापित हो गया है ना जी, उसको स्थापित कर दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि नहीं नहीं यह गलत हो गया, तो इसको ठीक तरीके से समझाया नहीं गया यह गलत कैसे हो गया। दूसरे कि आम आदमी पार्टी के भीतर का जो विवाद है वह देश का विवाद नहीं है, तो उसको यह बतलाना कि जैसे आनंद कुमार जी ने अभी कहा और कि आग लगी हुई है, वो आग कहां लगी हुई है? देश में जो आग लगी हुई है वो दूसरे किस्म की आग है जी। लेकिन उस आग पर आपका क्या कहना है? आपके घर के भीतर आग लगी हुई है तो आप उसकी बात करें। आनंद जी आ चुके हैं हमारे साथ, स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि उनसे ये सवाल किया जाए। आनंद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे जो अपूर्वानंद जी जो सवाल उठा रहे हैं? देखिए, अपूर्वानंद जी ने देश के बुद्धिजीवियों का जो स्पष्ट मत है हमारी पार्टी की अब तक की यात्रा के बारे में जी, वो एक शिक्षक और एक निष्पक्ष लेकिन प्रतिबद्ध बुद्धिजीवी के नाते दो टूक शब्दों में कहा है। हमारी ये दुविधा है कि हम विकल्प निर्माण के लिए जब निकले तो उस समय बड़ी धुंध थी, और उस धुंध में हमारी गाड़ी कहीं रुक गई
और श्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी आगे बढ़ गई जी। अब नरेंद्र मोदी का मुखौटा उतर चुका है, मालूम हुआ कि जुमलेबाज है, इसके पास कुछ ज्यादा देने के लिए नहीं है। ऐसे समय में फिर से लोगों में बेचैनी हो रही है और आम आदमी पार्टी के पास एक बड़ा अवसर है, लेकिन अगर ये पार्टी नीति और नियत के बीच में फर्क नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे बीच में यही बहस चली कि हमारी नियत पर यकीन करो, हमारा इरादा, और वो बिल्कुल ठीक ही बात है जी। लेकिन सवाल यह है कि महात्मा गांधी तक पर लोगों ने ये एक तरह से इतिहास की तरफ से आरोप है कि नियत तो आपकी ठीक थी बापू, लेकिन बंटवारा हो गया इस मुल्क का। तो नियत पर अगर लोकतंत्र चलेगा तो वो संत महात्माओं के समाज में तो चल सकता है ठीक, लेकिन लोकतंत्र में, खासतौर पर भारतीय समाज में, जब सारे परिवारवादी हो गए जी, कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी को छोड़ करके, क्योंकि उनके पास विचारधारा की लगामें थी, हमको लोकतांत्रिक राजनीति में विवादों को उठाने से लेकर के विवादों को सुलझाने तक की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। चुनाव में आदर्श और व्यवहार का एक रसायन तैयार करना पड़ेगा जो अलग अलग वैद्य को तो मालूम हो लेकिन पार्टी को न मालूम हो, तो फिर अगली कतार नहीं चल पाएगी। ठीक है, मैं एक सवाल कर लूं। जी जरूर। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि नियत पर टिक के राजनीति नहीं हो सकती, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मैंने योगेंद्र जी का जो वक्तव्य सुना वह यह है कि हमें 5000 मेरी तरह के राजनीतिक साधु चाहिए। तो अंततः भाषा आपकी फिर वही नियत और नैतिकता की वैसी ही वायवीय भाषा है जिसमें आप यह कह रहे हैं मुझ पर भरोसा करो, क्यों? मैं यह जानना चाहता हूं। जी जी, नहीं देखिए, वो तो बहुत ठीक बात है कि यह राजनीतिक साधु राजनीति खड़ी होती है जी, और व्यक्तियों के प्रति लोगों का एक, जैसे कहते हैं, सगुण आकर्षण होता है, विचार निर्गुण होता है, लेकिन विचार की पकड़ ठोस होती है, व्यक्ति की पकड़ तो रिश्तों के उठते चढ़ते ज्वार भाटा में बनता बिगड़ता रहता है। ठीक है, योगेंद्र भाई ने जो आह्वान किया वो शायद इस तरह से किया कि देखिए, मैं रिसर्चर था और एक अच्छी खासी नौकरी थी, मैंने यानी उन्होंने अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, अपने को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया कि हम पूरा समय देना चाहते, उनका आशय इससे था कि पूरा समय हम देना चाहते हैं। आनंद भाई, मैं आता हूँ आपके पास। प्रोफेसर सौरभ मुखर्जी, आपने पूरी चर्चा सुनी, आपने सौरभ भारद्वाज को भी सुना, पूर्वानंद जी को भी सुना, आनंद जी को भी सुना, आपको क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अब कहाँ जा रही है? क्या अब ये तय है कि इसमें बंटवारा होगा, इसमें टूट होगी, और क्या उस टूट के बाद हम किसी नई राजनीति की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, बंटवारा तो करीबन तय लग रहा है जी, और मुझे सबसे जो अचंभा हो रहा है, जो अभी जो ये बात कही, तो सबसे पहले हम राजनीति में जानते हैं जो अपना एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए। जोगेंद्र साहब ने अपना एग्जाम्पल क्यों दिया? हाँ, दूसरे के एग्जाम्पल देते हैं, और ये तो एक एलिटिज्म है कि आप जैसे देश में आग लग रहा है, आपने पूरा ठेका लेके रखा है, आपने कोई सर्वे किया है, आपने कुछ किया है देश की समस्या को लेके, मैं क्या कहूँ, ये लोग फेबियन पैम्पलेट्स क्यों नहीं निकाले? हर समस्या का इन्होंने जड़ देख के, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आनंद साहब पढ़ाते रहे हैं, सोशियोलॉजिस्ट है, जो हमारे देश में जो यूनिवर्सिटी पहला 200 नंबर में कहीं नहीं है, हम लोग क्यों नहीं है? इसके बाद में आप छोटी छोटी तो विचार कीजिए जी, उसके बाद आप देखिए। और गांधी जी ने एक चीज कहा था, वन स्टेप एट ए टाइम, इतना बड़ा चीज आप करोगे आप कभी उसको कुछ अच्छी तरह कर ही नहीं सकते। आप भूलिए मत, गांधी जी हर चीज के लिए रोके, 3 मूवमेंट चलाया, हर में उसमें गैप रहा। चंपारण से जब वो आगे बढ़े, हर इस चीज में उन्होंने लोग रिक्रूट की, राजेंद्र प्रसाद को की, उन्होंने नहीं कहा मैं एग्जाम्पल हूं, पर उन्होंने उनके साथ हर वक्त लोग थे जी। प्रोफेसर सौरभ मुखर्जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है। पूरानंद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, सौरभ भारद्वाज साहब और प्रोफेसर आनंद कुमार साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी का एक गुट, एक धड़ा, जिसके 70% लोग अभी भी आम आदमी पार्टी से अलग हटने की बात नहीं कह रहे हैं, क्या ये एक नई राजनीति और एक अंततः नए दल बनाने की एक्सरसाइज है? देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।